तैयार हो जाइए मैच नंबर 7 के लिए. हैदराबाद से हम लाइव हैं. 264 रेड पॉइंट इनके करियर में है. एक ओ पहले ही रेड में लेफ्ट कवर का शिकार. यूपी ने पहली बार दम दिखाया. 1 पॉइंट यूपी योद्धा. सबसे ज्यादा हैंड टच करते हैं, ये इनका स्किल है. सबसे ज्यादा हैंड टच और ये एस्केप. एक या दो पॉइंट बोनस की भी मांग है. 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स. क्या मनिंदर रिव्यू लेने वाले हैं दादा? बोनस की मांग की थी. टच पॉइंट लेना पड़ेगा. नितेश के पास हमला नहीं करेंगे. नितेश के पास हमला करेंगे तो पकड़े जाएंगे. ये नंबर एक डिफेंडर है पिछले सीजन का. यूपी योद्धा क्या जबरदस्त तरीके से एंकल होल्ड किया. बॉडी फोर्स के सहारे निकलने की कोशिश की थी. लगातार दो रेड में पॉइंट ना मिले तो तीसरी डू ऑर डाई बन जाती है. रेडर मोनू गोयत है, उनको बलदेव सिंह ने ढेर किया है. 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स. दोनों टीम्स के राइट कॉर्नर्स ने विपक्षी टीम की डू ऑर डाई रेड पर काम किया है. बेहतर फुटवर्क परिंदर का. लंबे हाथ खींचे हुए हैं. नितेश को चुनौती दे रहे हैं और नितेश ने एक्सेप्ट कर लिया. 1 पॉइंट यूपी योद्धा. वीवो प्रो कबड्डी के इतिहास में नितेश ने मात्र तीसरी बार मनिंदर का शिकार किया है. मनिंदर 69 है लेकिन इस बार शुरुआत अच्छी क्या नहीं हो पाई. पहला एग्जाम दे रहे हैं और वो भी पहले ही एग्जाम सिविल सर्विसेज का, यानी कि डू ऑर डाई भी क्लियर करना है. भाई यहाँ लोग चार चार बार ट्राई करके पास नहीं होते. 1+2 3 पॉइंट बंगाल वॉरियर. लेकिन कम से कम एक कॉन्सोलेशन मिल गई. पिछली बार नितेश ने जिस तरह से टैकल किया था, मनिंदर साहस नहीं जुटा रहे अंदर जाने का. कोशिश की, जाते जाते एक को टच कर दिया. मोनू को बाहर जाएंगे. फिर बोनस मांगा है. 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स. मनिंदर की दूसरी रेड है जिसमें उनको दो दो पॉइंट मिले हैं और दोनों बार बोनस मांगा था, दोनों बार नहीं मिला. मोनू सचिन एक साथ गए, उनका हाथ आने से पहले पैर खींचा मनिंदर ने. और इसका कारण संजय यही है कि इस सीजन से टफ कुछ नहीं है. ये देखिए इस डिफेंस से टफ कुछ नहीं है. बंगाल के डिफेंस की धीमी शुरुआत लेकिन कातिलाना अंत किया है इस हाफ का. यहाँ पर सुपर टैकल की सिचुएशन है. डाइव किया और गलती कर दी. 6 and 12. एक नहीं दो पॉइंट्स लेकर के लौट. इनको सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया गया. जाइए आप ही कुछ ट्राई कीजिए, टीम को ऑल आउट से बचाइए. रिवाइवल पॉइंट चाहिए जो नहीं मिला. यूपी योद्धा 1+2 3 पॉइंट बंगाल वॉरियर. दूसरी बार यूपी योद्धा ऑल आउट हो गए इस मुकाबले में. यू मुंबा वाले सुरेंद्र हैं. सीजन 5 से सीजन 6 आते आते उन्होंने कितने फेल टैकल कम किए थे वो बड़ा अच्छा उदाहरण है. बहुत जबरदस्त. ओहो लेकिन ये ट्रैप में लिया था. किस तरह से नबी बख्श की ये रेट देखना होगा. 4 के डिफेंस में श्रीकांत जाधव. कितने 2 3 इंतजार कीजिए. बता दिया है कि बंगाल ने जो हीरा छुपा के रखा था उसकी चमक आ गई है सामने. और ये तीसरी बार ऑल आउट यूपी योद्धा. 3 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स. ऑल आउट यूपी योद्धा. यूपी योद्धा ने कतई कल्पना नहीं की थी. पहला प्रो कबड्डी खेलते हुए सीजन 7 में ईरान के लिए खेलते हैं. एशियन गेम्स में जबरदस्त प्रदर्शन और यहां भी उस प्रदर्शन को दोहराते हुए. नबी बख्श की शुरुआत धीमी रही थी. मल्टी पॉइंट रेडर ऋषंक देवाडी का है नहीं और बाकी खिलाड़ियों ने वो काम किया नहीं. मनिंदर ने बड़ा अच्छा काम किया है. उनका 8वां पॉइंट. 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स. जोगिंदर नरवाल वेट लूज करके आए हैं. विशाल माने तो वैसे ही नहीं मानते. ओ क्या बात है. बलदेव सिंह हाई फाइव पूरा. 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स. यहाँ डुओ डाई रेड है. सामने सुपर टैकल ऑन है. यानी 2+2 4 कर दिया शिकार नबी बख्श ने. ऑल आउट यूपी योद्धा. चौथी बार चारों खाने जित किया है बंगाल ने यूपी को. पंगा लेना आता है. गेस करते रहिए कौन होगा वो सेलिब्रिटी. बलदेव सिंह क्या खा कर आए हैं. क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है बंगाल वॉरियर्स ने. 48-17 की जीत.